नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर शोभा घोष द्वारा लिखी कहानी अग्नि श्रृंगार। पद्मिनी अपने श्रृंगार कक्ष में आदमकद दर्पण के सम्मुख खड़ी है। काली घुंघराली अलके, कमान सी बोहें, खंजन सी आंखें और सौंदर्य की स्वर्गीय दीप्ति से प्रकाशित मुखमंडल, रूप की गौरव गरिमा और प्रकाश से दर्पण ही नहीं पूरा श्रृंगार कक्ष आलोकित हो उठा। क्या यही वह सौंदर्य है जिसकी सुरभि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैली हुई है? क्या यही वह रूप है जिसकी गंध पा यवन सम्राट अलाउद्दीन लोलुप भोरे की तरह मेवाड़ का चक्कर काट रहा है? रूप की गंध, मादकता और आकर्षण कभी कभी कितना घातक होता है, कितना जहरीला। रूप राशि पद्मिनी ने अपना चेहरा दर्पण में फिर देखा। उसे अपने सौंदर्य से घृणा हो आई। यह रूप राशि उसके निष्कलंक चेहरे पर, उसके निष्कलुष चरित्र पर कालिक पोत गई है। शिराओं में खून खौलने लगा, आंखें आग उगलने लगी। लगा कि दर्पण के सम्मुख एक चेहरीली नागिन फुक्कार मार रही हो, ज्वालामुखी भभक उठा हो, प्रशांत सागर में ज्वार उठ गया हो। भ्रिकुटियां तन गई, नासिका कंपित हुई, भुजाएं फड़क उठी, कमर से कसी कटार अपनी रक्त प्यासी जीवा लपलपाने लगी। पद्मिनी का संपूर्ण शरीर कांप उठा इस कल्पना से, और कितनी घृणित कल्पना। उसके रूप सौंदर्य से आकृष्ट होकर यवन सम्राट ने उसकी भूमि पर चढ़ाई कर दी है, और रूप राशि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए उसकी सेना मेवाड़ को घेरा डाले पड़ी है। एक नारी के लिए आज प्रिय मेवाड़ भूमि पर संकट आ पड़ा है और उसकी स्वतंत्रता खतरे में है। एक नारी के सौंदर्य की बलि वेदी पर हजारों वीर अपने प्राणों की बलि चढ़ा चुके हैं। ये सब केवल एक नारी के रूप के लिए। दुनिया क्या कहेगी और इतिहास क्या कहेगा? पद्मिनी का आरक्त मुखमंडल दर्पण में प्रतिच्छवित हो उठा। विचार श्रृंखलाओं ने क्रोध के आवेग का अवरोध किया, इसी अप्रत्याशित राष्ट्रीय संकट की घड़ी को टालने के लिए। पद्मिनी ने आत्मसम्मान से, राष्ट्र सम्मान से समझौता किया था। मेवाड़ की महारानी की प्रतिच्छवि देखकर आक्रमणकारी यवन सम्राट वापस लौट जाएगा। इस घृणित प्रस्ताव पर पद्मिनी ने अपनी स्वीकृति दे दी थी, पर यवन का विश्वास, आक्रमणकारी का आश्वासन, भोले राजपूतों का कोरा भ्रम सिद्ध हुआ। इतिहास बार बार यही कहता आया है कि देश ने जब जब आक्रमणकारियों पर विश्वास किया है, धोखा खाया है। आक्रमणकारी यवन सम्राट को भी दर्पण में पद्मिनी की प्रतिच्छवि से संतोष न हो सका। वे अपना वचन, आश्वासन भूल बैठा। रूप राशि पद्मिनी को अंकशायिनी बनाने का यवन सम्राट का निश्चय और सुदृढ़ हो गया। मेवाड़ का घेरा और दृढ़ होता गया। दुर्ग का एक एक द्वार हजार राजपूतों की बलि के बाद टूटने लगा। दुर्ग के रक्षकों की संख्या कम होने लगी, और एक दिन वह घड़ी भी आ गई कि राणा यवन सम्राट की सेना द्वारा बंधक बना लिए गए। अलाउद्दीन ने पद्मिनी के पास संदेश भिजवाया कि यदि वह अपनी खुशी से शाही हरम में आ जाएगी तो वह बंदी राणा को मुक्त कर देगा। मेवाड़ की महारानी ने साहसपूर्वक उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, और 500 पालकियों में दासियों के साथ
वह यवन सम्राट के खेमे की ओर चल पड़ी थी। खेमे में पहुंचते ही पालकियों से तलवार लिए राजपूत निकल पड़े और रंगरलियां मनाते हुए यवनों पर टूट पड़े। मेवाड़ की महारानी बंदी राणा को मुक्त करके दुर्ग में वापस लौट आई थी। वीर राजपूतानी का वह शौर्य विश्व इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ बना हुआ है। महारानी पद्मिनी के मेवाड़ की उसी पुत्री के चेहरे पर आज चिंता की ये रेखाएं क्यों? आशंका का दर्पण कांप उठा। मेवाड़ की महारानी का शरीर कांप रहा था। क्या भय और आशंका से? नहीं, वह राजपूतानी है। उसका शरीर मेवाड़ की मिट्टी से बना है। त्याग भूमि मेवाड़ बलिदानी राजपूतों के रक्त से सनी है। मातृभूमि की मर्यादा, पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा अक्षुण्य रहेगी। राजपूतों के जीवन में भय और आशंका के लिए स्थान नहीं। मेवाड़ की रक्त रंजित धरती, उसकी संतानें, इसकी मां की रक्षा करना जानती है। ये मिट्टी बार बार लहू की धार से सींची गई है। आज मेवाड़ की मिट्टी फिर अपना मूल्य मांगती है। हम प्राणों के रक्त से मातृभूमि की मर्यादा की रक्षा करेंगे। क्षण भर में ही महारानी ने अंतिम निर्णय कर लिया। मुखमंडल गर्व से दीप्त हो उठा, वक्ष फूल उठा, भुजाएं फड़क उठी, दर्पण गौरवान्वित हो उठा। महारानी अब भी दर्पण के सम्मुख खड़ी थी। दासी ने आकर खबर दी, दुर्ग का पूर्व द्वार ध्वस्त हो चुका है। यवन सैनिक किले में प्रवेश कर रहे हैं। पद्मिनी की भौहें क्षण भर को संकुचित हुई, पर केवल क्षण भर के लिए। फिर वे दर्पण के सम्मुख श्रृंगार में व्यस्त हो गई। दूसरी दासी ने आकर समाचार दिया, महारानी महारानी दुर्ग का उत्तर का द्वार भी ध्वस्त हो गया। महारानी के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महारानी श्रृंगार कर रही थी। दासियां श्रृंगार सामग्री लिए खड़ी थी। खुंगराली अलकों में सुंदर सुगंधित लाल लाल फूल, लाल रंग की साड़ी, माथे पर लाल बिंदी, मांग में सिंदूर की लालिमा। ऐसा लग रहा था मानो महारानी पद्मिनी रक्त श्रृंगार कर रही हो। रतन जड़ित आभूषणों के मध्य झिलमिलाती रूप राशि, पद्मिनी ने दर्पण में अंतिम बार अपना रूप देखा। महारानी महारानी यवन सेना अंतःपुर के द्वार तक आ पहुंची है। संदेश वाहिका, दासी की बात अनसुनी करती हुई महारानी बोली, चिता तैयार है, मेरा साथ कौन देगा? श्रृंगार कक्ष में एकत्र छत्राणियों में हलचल सी मच गई। एक संवेद स्वर फूट पड़ा, मेवाड़ की जय, महारानी पद्मिनी की जय, हम सब आपके साथ चलेंगी महारानी। यवन सम्राट एक भी राजपूत रमणी की परछाई तक नहीं देख सकेगा, मृत्यु के बाद भी नहीं। महारानी पद्मिनी का चेहरा गर्व से उद्दीप्त हो उठा। चिता तैयार हो चुकी थी। महारानी का श्रृंगार समाप्त हो चुका था। दासियों ने महारानी की आरती उतारी, मंगल तिलक लगाया। आगे आगे महारानी पद्मिनी, पीछे पीछे मेवाड़ की वीरांगना छत्राणियों का समूह। देवता, इस अपूर्व छवि पर मुग्ध होकर पुष्प वृष्टि कैसे ना करे। सामने चिता धधक रही थी, अग्निदेव अट्ठहास कर रहे थे। महारानी सीता की अग्नि परीक्षा, पद्मिनी का अग्नि श्रृंगार, गगनचुंबी लपटे, मेवाड़ की क्रांति गाथा अनंत अंबर से प्रसारित कर रही थी। तभी एक दासी ने आकर निवेदन किया, महारानी महाराणा ने मातृभूमि की रक्षा हेतु असंख्य यवनों को मौत के घाट उतारते हुए वीर गति प्राप्त की है। महारानी ने एक दीर्घ श्वास ली। संभवतः वे अब तक इसी समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। महारानी पद्मिनी ने मेवाड़ को
अग्नि देवता को और फिर मेवाड़ कुल केतु महाराणा को प्रणाम किया। महारानी पद्मिनी की जय के नाद से वातावरण मुखरित हो उठा। मेवाड़ की जय, महारानी पद्मिनी की जय, मेवाड़ की जय, महारानी पद्मिनी ने दोहराया। एक स्वर्गीय मुस्कान महारानी के अधरों पर खिल गई। दूसरे ही क्षण महारानी प्रज्वलित चिता के बीच कूद पड़ी। गगनचुंबी लाल लपटों ने उन्हें अत्यंत प्रेम से अपनी बाहों में ले लिया। रूप राशि पद्मिनी का अंतिम श्रृंगार, अग्नि श्रृंगार समाप्त हो गया। महारानी के बाद एक एक कर मेवाड़ की ललनाएं चिता में कूद दी गई। अंतपुर खाली हो चुका था। बलिदानी शतराणियों की पांत समाप्त हो चुकी थी। सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन मेवाड़ की आन की कीर्ति पताका आकाश में लहरा रही थी। दूसरे दिन यवन सम्राट की सेना ने अंतेपुर में प्रवेश किया तो पाया राख की ढेरी, मुट्ठी भर राख। यही अपूर्व लावण्यमयी आद्वितीय सुंदरी पद्मिनी के सौंदर्य का अवशेष था। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।